नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, शाम के 8 बज चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली शाम को 8 बजे स्पेशल रेलवे एनटीपीसी के लिए क्लास होती है। सो आज की क्लास में हम जीके का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा, जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाए उनको भी ध्यान से सुनिए, बिकॉज परीक्षा में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। रेलवे ग्रुप डी के लिए भी क्लास है, ये डेली शाम को 8 बजे क्लास होती है। सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए, बताइए दलाल स्ट्रीट कहाँ पर है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताइए कहाँ पर है दलाल स्ट्रीट। नई दिल्ली में, लंदन में, मुंबई, पेरिस, इस प्रकार से ऑप्शन है। तो ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बहुत अच्छे दोस्तों, आंसर सभी लोग दीजिएगा। राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। दलाल स्ट्रीट आपको बताना है निम्न में से कहां पर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुंबई में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दलाल स्ट्रीट जो है मुंबई में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मुंबई के बारे में मैंने आपको कई बार बताया, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। 60 टापों के शहर के नाम से जाना जाता है भारत में मुंबई को, और भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं मुंबई को। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है। बहुत अच्छे। बाकी SBI का हेडक्वार्टर कई बार मैंने आपको बताया है, RBI का हेडक्वार्टर कई बार मैंने आपको बताया है, BCCI, NABARD, इन सभी के हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर दो के लिए। बताइए निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, गंगा, गोदावरी, महानदी या फिर ताप्ती, इस प्रकार से ऑप्शन है। इनमें से बताइएगा कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ये रेलवे की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सभी का आंसर करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ताप्ती रिवर। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ताप्ती नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ये नदी पश्चिम की ओर बहती है, ताप्ती नर्मदा, ये नदियां जो हैं पश्चिम की ओर बहती हैं, अरब सागर में जाकर मिलती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां पर जाकर गिरती हैं, तो आप लोग याद रखिएगा अरब सागर में जाकर गिरती हैं। बाकी गंगा, गोदावरी, महानदी, ये सभी डेल्टा बनाती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ताप्ती करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर तीन के लिए, जंग से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, क्या पूछा गया, जंग से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, निकल, कॉपर, जस्ता या फिर एल्यूमिनियम। तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर तीन के लिए। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जस्ते की, सी करेक्ट आंसर होगा। जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिंक करेक्ट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फोर के लिए, प्रज्ञा पुरस्कार जो है किस भाषा में लिखी पुस्तकों के लेखकों को दिया जाता है। यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अभी आपको बताना है किस भाषा में लिखी पुस्तकों के लेखकों को दिया जाता है प्रज्ञा पुरस्कार, बंगाली, हिंदी, संस्कृत या फिर मराठी। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो सभी का आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हिंदी। यस, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। प्रज्ञा पुरस्कार जो है हिंदी भाषा में लिखी पुस्तकों के लेखकों को दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए, राजनैतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, ये कथन किसका है, किसने कहा था। दादाभाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, सैयद अहमद खान, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी का आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अरविंद घोष ने। यस, सी करेक्ट आंसर होगा। अरविंद घोष का कथन है राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये से हो गया, ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए।
जल्दबाजी में आंसर आपको नहीं देना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। चलिए इसका आंसर करिएगा, अल हिलाल समाचार पत्र को किसने शुरू किया था। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अबुल कलाम आजाद। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल नामक समाचार पत्र शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, उनका नाम क्या था, तो आप लोग याद रखिएगा अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, बताइए रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, क्या पूछा गया है पहले क्वेश्चन को समझिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट पूछा गया है कब पारित हुआ था, 1773, 1771, 1785 या फिर 1793। इस प्रकार से ऑप्शन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, अच्छा हुई होगी, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, बताइए ग्वादर बंदरगाह कहां पर है, ईरान, पाकिस्तान, भारत या फिर श्रीलंका। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा। यस रानी, सभी के लिए क्लास है, डेली शाम को 8 बजे सेशन होता है, डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ग्वादर पोर्ट बताना आपको कहां पर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पाकिस्तान में। यस बी करेक्ट आंसर होगा, पाकिस्तान करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, यह बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है, एंजाइम होते हैं, क्या पूछा गया है, एंजाइम होते हैं सूक्ष्मजीव, फफूंदी, अकार्बनिक यौगिक या फिर प्रोटीन। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रोटीन, एंजाइम प्रोटीन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड, डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 10 है। आपको बताना है निम्न में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताइएगा सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, क्या करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिएगा, ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है, गुड इवनिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अरावली, बी करेक्ट आंसर होगा, अरावली पर्वत श्रेणी जो है इनमें से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, बताइए दामोदर नदी कहां से निकलती है, इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों क्या पूछा गया, जो दामोदर नदी है कहां से निकलती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, छोटा नागपुर पठार से। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, ये भी बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है, तो सभी का आंसर करिएगा, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा समझ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिए। ऑक्सीजन की कमी के कारण मानव शरीर में निम्न में से कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है, आंत, त्वचा, गुर्दा या फिर ब्रेन। इस प्रकार से ऑप्शन है, डी करेक्ट आंसर होगा, ब्रेन, या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगर शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी तो सबसे अधिक अंग जो प्रभावित होता है ये ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रेड का रासायनिक प्रतीक आपको बताना है, तो सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए राइट आंसर क्या होगा, रेड का रासायनिक प्रतीक बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पीवी, यस बी करेक्ट आंसर होगा, क्या करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट आंसर होगा, लेड का रासायनिक प्रतीक है पीवी, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा लेड की परमाणु संख्या क्या है, इसका आंसर सभी लोग क्लास खत्म होने के बाद दीजिए, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ये पूछी जाती है परीक्षा में। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अरहर, या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, तूर दाल को अरहर के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का।
अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, बताइए श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था, श्रीलंका में जो गृह युद्ध है कब समाप्त हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 2009 में, यस सी करेक्ट आंसर है, 2009 में श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्त हुआ था। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, बताइए लाइफ ऑफ पाई उपन्यास के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, क्या पूछा गया है, लाइफ ऑफ पाई उपन्यास के लेखक कौन है, क्या करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जॉन मार्टल, यस सी करेक्ट आंसर होगा, क्या करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर होगा, जॉन मार्टल द्वारा लिखा गया है लाइफ ऑफ पाई उपन्यास, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, यस। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, बताइए सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, इनमें से आपको बताना है भारत के किस राज्य में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, यह सबसे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हरियाणा में, सी करेक्ट आंसर होगा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है हरियाणा में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें बताइएगा भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है कहां से लिया गया है, क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से, सारनाथ में जो अशोक स्तंभ स्थित है वहीं से लिया गया है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, गुड इवनिंग। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, आपको बताना है निम्न में से किस देश को चीनी का कटोरा कहते हैं, शुगर बॉल ऑफ द अर्थ के नाम से किसे जाना जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर पूछा जाए भारत में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि भारत में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, इसीलिए भारत में चीनी का कटोरा कहते हैं उत्तर प्रदेश को, और विश्व में किस देश को कहते हैं, क्यूबा को, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका, क्यूबा करेक्ट आंसर है, क्यूबा को कहा जाता है शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, सोलर कुकर में बताइएगा किस तरफ का प्रयोग किया जाता है, तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा, सोलर कुकर में किस तरफ का प्रयोग करते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण का, जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में, तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाते हैं, क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, ये करेक्ट आंसर नहीं होगा, 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पूछा गया है, बी करेक्ट आंसर होगा 18 दिसंबर को प्रतिवर्ष अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था लेकिन अमेरिका के तट पर पहुंच गया, उसका नाम आपको बताना है, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कोलंबस, या सी करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका, आप लोग याद रखिएगा कोलंबस जो है ये भारत आना चाहता था लेकिन ये अमेरिका पहुंच गया था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्या करेक्ट आंसर है, सी करेक्ट आंसर है कोलंबस, ये एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, बताइए मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है, आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हिंद महासागर में, या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जो है हिंद महासागर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ पर स्थित है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताइएगा भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली, लखनऊ, भोपाल या फिर पुणे में, नई दिल्ली करेक्ट आंसर होगा, नई दिल्ली में भारतीय नाट्य संस्थान स्थित है, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, एसएससी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए भारत के किस राज्य में शास्त्रीय नृत्य शैली प्रसिद्ध है, सभी इसका आंसर करिएगा, जो शास्त्रीय नृत्य शैली है भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है, असम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या फिर तमिलनाडु, यस ए करेक्ट आंसर होगा,
मुख्यतः असम से संबंधित है सत्रिया नृत्य शैली। असम भारत का राज्य है, कई बार मैंने आपको बताया भी है, राजधानी दिसपुर है, आप लोग तो जानते भी होंगे। अगर पूछा जाए असम की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो याद रखिएगा असमिया असम की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन असम में होता है। मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में असम के? हेमंत बिस्वा सरमा वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री है। मानस अभ्यारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नौरंग राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी असम में स्थित है। ये पूछे जाते हैं परीक्षा में, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, बताइए निम्न में से कौन एक छत्तीसगढ़ में स्थित है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताइएगा कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, दांडेली अभ्यारण्य, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान या फिर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। क्या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी तीन ऑप्शंस के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, आप तो जानते भी होंगे, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए, बताइए भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, यह सीमा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मुंबई को। मुंबई को कहते हैं भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में है और ये चमड़े के उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में। और अहमदाबाद को कई बार मैंने आपको बताया है, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, गुजरात में अहमदाबाद है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं। 28 के लिए आंसर करिए, बताइए द डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। सभी का आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, क्या पूछा गया है, द डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक किसने लिखी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दांते अलिघरी ने, या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए, उगाई परियोजना बताइए किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात में। चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्या पूछा गया है, उगाई परियोजना किस राज्य में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुजरात में। यस, डी करेक्ट आंसर होगा, गुजरात में उगाई परियोजना है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं किस नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा ताप्ती नदी पर स्थित है। ताप्ती या तापी एक ही नदी है, ताप्ती नदी पर स्थित है उकाई परियोजना गुजरात में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए, 16 जाने माने महाजनपदों में से सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था, उसका नाम बताइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मगध। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए, बताइए पन्ना का रंग आमतौर पर कैसा होता है, हरा, नीला, पीला या फिर लाल, इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हरा, या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, पन्ना का रंग आमतौर पर हरा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए, आपको बताना है निम्न में से कौन शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें बताइएगा कौन से शब्द भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उद्देश्य का है, प्रीएम्बल, इसमें शामिल है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, इस प्रकार से ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, पहला और दूसरा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है, तीनों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये तीनों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, तीनों शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए, बताइए ताप का ऐसा इकाई क्या होती है। सभी जल्दी से आंसर करिए, ताप का ऐसा ही मात्रक आपको बताना है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी करेक्ट आंसर होगा, केल्विन। ताप का ऐसा इकाई होती है केल्विन, ताप की जो ऐसा इकाई है केल्विन होती है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, बहुत अच्छे, ये रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए, बताइए पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है कहाँ पर है, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, केरल में, या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए, साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, उनका नाम आपको बताना है।
साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एडमंड सेन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए, बताइए मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ पर है? अकबर का मकबरा आपको बताना है। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिकंदरा में, आगरा के पास है सिकंदरा, उत्तर प्रदेश में अकबर का मकबरा सिकंदरा में, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से, भारत में जो राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन है कब हुआ था? भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कब की थी? 2004 में, 2008 में, 2010 में या फिर 2006 में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 2010 में। यस, सी करेक्ट आंसर होगा। भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था 2010 में, भारत ने मेजबानी की थी 2010 में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? दिल्ली सल्तनत, चंद्रगुप्त मौर्य, ब्रिटिश या फिर मुगल? इस प्रकार से ऑप्शन है। सभी का आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। इसका राइट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर होगा, दिल्ली सल्तनत के काल में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इब्न बतूता जो है ये मोरक्को का निवासी था। कहाँ का निवासी था पूछा जाता है? मोरक्को का निवासी था 14वीं सदी में। आप लोग याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में भारत आया था। कब आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो दिल्ली सल्तनत करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए 39 के लिए। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1972 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, भारतीय संविधान में जो विशेषताएं हैं कितने देशों से ली गई है? सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा, 10 देशों से। यस, भारतीय संविधान में 10 देशों से विशेषताएं ली गई हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए, कृत्रिम बुद्धि का जनक किसे माना जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए, कृत्रिम बुद्धि का जनक किसे मानते हैं? बी करेक्ट आंसर होगा, जॉन मैकार्थी को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धि का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 42 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, नौरोज एक फारसी त्यौहार था, परिवर्तन किया था बलबन ने, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 42 का। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, बताइए मेजर रैंक किस सेना से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, थल सेना से। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, थल सेना से संबंधित है मेजर रैंक, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाओं से, प्रवक्ताओं से, हिंदी भाषा से या फिर राष्ट्रपति से? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉरी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अखिल भारतीय सेवाओं से। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 45 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति बताइए कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति करेक्ट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। 45 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए, बताइए दोस्तों भारत में कहां पर दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनाया जाएगा? तो इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस को पढ़िएगा उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर आपको नहीं देना है। वेरी गुड,
ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लद्दाख में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ए करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा, लद्दाख में भारत दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। बाकी आप लोग याद रखिएगा, लेह लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है लेह लद्दाख। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। खेड़ा आंदोलन आपको बताना है कब शुरू हुआ था, कब शुरू किया गया था खेड़ा आंदोलन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1918 में। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 1918 में खेड़ा आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? सभी जल्दी से आंसर करिए। मुख्यमंत्री आपको बताना है अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, गवर्नर या फिर विधानसभा अध्यक्ष को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल को। यह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, राज्यपाल को मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र देते हैं। सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए महाबेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भूटान, भारत, श्रीलंका या फिर पाकिस्तान। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, श्रीलंका। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, नाम क्या है? महाबेली गंगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड। नंबर 50 के लिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। निम्न में से आपको बताना है कौन सी एक कायांत्रिक चट्टान है, सैल, ग्रेनाइट, लुहा पत्थर या फिर क्वार्टजाइट। तो सभी का आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्वार्टजाइट। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा क्वार्टजाइट एक कायांत्रिक चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ये वाली डेली क्लास होती है शाम को 8 बजे, टाइम को याद रखिएगा, सेशन को डेली ज्वाइन कीजिएगा। लाइव सेशन होता है शाम को 8 बजे, स्पेशल रेलवे की परीक्षाओं के लिए। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस।